आउटपुट छोटा है, बहुत आई है कि सफर नाम कच्चा कच्चा में कहता मैं मर जाऊंगा और क्या अगलो मर जाऊंगा। रोटी नहीं मांगा जी तो पानी भीख की जा मांगनो पड़ रही है। बोट अरे बोट लेसी ने जब पाइप गैर जैसी और आर जैसी ने जब पाछा काट के ले जैसी। सगला भाई ने राम राम मोहन थारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज अभी आप मुकुंदगढ़ एरिया में पहुंचे हैं बैठा को जो वार्ड नंबर 7 है। बैठे की कोई रिक्वेस्ट आई बैठे जो समस्या है चाल के बातचीत कर सकते हैं। लेके आ रहे हो पानी? बहुत दूर से लेकर आया भाई साहब, मोहल्ला में से लेकर आया। घर कड़े सी थारा घर फिर पानी की कोई है कौन की सुविधा? सुविधा को नहीं, कोई बिजली की कोई पानी की कुछ नहीं। पानी खातर तो पाम है बहुत पानी खाली जुकेदार आदमी ले गया रे। देखो थार साहब जुकेदार आदमी है ये के घड़ा सर से मांग के ला। आज मानो कते साल हो गए पर मैं तो पानी खातर तो पाया पूछो मत है। बोट आ रहा बोट ले जा और कोई पानी को गेलो बोट आ रहा बोट ले जा हाथा जोड़ी करके और पास मार पानी का सुविधा कौन कर। भाई 250-300 रुपया रोज का क्या भरया जा ए मांग के लावा। टैंकर मां धन मेरा टैंकर 250 रुपया लागे हम ये खावा भी टैंकर वाला ने। कता दिन हो रही है ये समस्या? तो बताया एक दिन से हो रही है। एक महीने राजधानी का महीने बैठा जत की समस्या हो रही है। थारा मकान की खुद का हिसाब बना रहे हो तो बिना पानी तो मान लो मकान कैसे बना होगा? तो कैसे लेके कठवाओ थे जंगल में बा बटन ने टूटे लाग रही जब फसल लेकर आ पानी भी रोज के बढ़ जा। कोई का दो मटका कोई मतलब राजी पेटा में गाल दे तो गाल दे नहीं तो टैंकर मंगावा और एक टैंकर मंगावा 250 रुपया लागे और 3 दिन चला फिर 250 रुपया दो। एक मतलब लॉकडाउन में ध्यान की मजदूरी कट रही है प्लाट व्लूट पहले हो था रो या फिर थेली उठे मोल अब मोल भी है। तो जी टाइम पानी की व्यवस्था को नहीं की जो जमीन देनी है ना जी टाइम तो बोले थारा लाइना पड़ जाएगी क्या टेंशन मना करो। अब्बा का प्लाट बिक गया अब्बा का प्लाट बिका हुआ तो जाता रिया और माना के दीवार ना तो पटक गया। अच्छा अब कोई मिले भी कौन की तो कोई बात करो जना करा ना वोट वाला मिले वोट लेना हो जाए तो कहना मन वोट दो तन पानी लगवा देगा तारी वो ट्यूबवेल करवा देगा जीते बाद में कोई ट्यूबवेल हो और न कोई खड्डा खुद है। जी जीतना बाद में कोई आए यार कौन पूछे कि तिसाया हो भूखा हो राजी हो मरीज हो मतलब चुनाव वाला आया बोले मैं पाइपलाइन गिरा था थारे खातर तो आपकी पाइपलाइन गिरी तो हमारा भी पाइप काट दिया। अब वो पाइप टुकड़ा टुकड़ा कर दिया वो कोई काम कर दिया बाहर का बोल जी मैं तो तारे को दलाल बने बिना पैसा दिया। नगर पालिका में जाके के लिए कोई शिकायत करी? एक बार नहीं को बोल रहे हैं के कहे हैं के खर्चा व्यवस्था खर्चा व्यवस्था खर्चा 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 में कहता मैं मर जाऊंगा और क्या अगलो मर जाऊंगा। एक एक मटको कोई पड़ोसी को ले आओ कोई एक गाल दे कोई दो गाल दे क्योंकि आजकल इतो ही पानी आवे कि आगलो भी आपके ग्राम काम लेने चाहो। दो चार घड़ा पीना का टेंडी का लेके आओ टैंकर गिरा बेचारा है तो 300-300 रुपए का टैंकर गिरावा। हाँ 300 रुपए का एक टैंकर आवा है। कितना दिनों गिरो? 3 दिन से 4 दिन से 3 दिन से 4 दिन से 3-4 दिन ही चल रहा टैंकर गिरा 10 साल हो गए जी 10 साल हो गए कॉलोनी बजा 10 साल हो गए टैंकर गिराता 10 साल हो गए मोल कोई पानी पी रहा अभी दलाल रुपया दे दे समाधान को नहीं हो रहा वो कोई वोट दिया दे वो तो हार जाए जीत जाए मारती तो कुछ सुनाए गुना वो आपको जेब गर्म कर ले बस कहानी हो रही है है। आज तो कोई वोट आना आग उनका चाय तो पिला मैंने वोट तो दो ना आउटपुट छोटा है वोट आई है कि सफर नाम शुरुआत कौन पहला प्लाट वगैरह तो कौन सुन मारे आइडो सा फिर यो सो बिल्कुल सब प्लाट मारे लेडो जी टाइम के जो कोई जी टाइम प्लाट खरीदो जी टाइम थे देखियो कि पानी की कोई व्यवस्था है कि पानी पूनी के लिए की सप्लाई व्यवस्था है जी। पहली बात इस साइड में प्लाट काटा इस साइड में बाद में काटा जब मैं बोले जी अठिन पाइपलाइन पड़ रही जब बोली जी अठिन पाइपलाइन गिराऊंगा ना मैं साहब अठी ले लियो इस चक्कर में ले लियो कि भाई मंडी नजदीक मोलो पूरा बसे को ई कॉलोनी में इम कोई फर्क को नहीं है इस चक्कर में प्लाट लियो जी बाद में मान तो वो प्लाट आल तो बेचवा जाते रहियो और न कोई पानी न कोई और अब मोल को पानी पीता पीता पहले तो 200 रुपया दिया करता टैंकर का और अब 250 रुपया दे रहा साहब 250 वो भी आज फोन करा तो शाम तक आवे हो सके काल तक भी हो जाए। और जो गए पिछली बार लॉकडाउन लागो ना राजकुमार है ना अपना वो जरूर आटा कट्टा भेजा आटा आटा का राका जो माने एक एक दो दो चार चार मिल गया खान के लिए भेज दियो पर पानी को नहीं मिल रहा है की रिक्वेस्ट करो थे तीनों खमा बत लाइट चाहिए और मानो पानी की व्यवस्था चाहिए गरीब आदमी और क्यों कौन सा मान जुगीदार आदमी है मैं गरीब आदमी पानी खातर घर घर में भटकता फिरा तो हमारी पानी की सुविधा हो मैंने 40 साल हो गई रहता गरीबा मांग न खावा तो जगह जमीन तो है को नहीं दूसरे की जगह में पड़ा मैं प्लॉट लिया जाना प्लॉट मालिक भी बोलो मैं थाने लाइन गिर के दंगा और कुएं से पानी दंगा अब इस साइड का पानी भी नहीं दे रहे यार पाइप भी नहीं गिर दे लास्ट ईयर अपना 5 ईयर पहले कोई मतलब चुनाव में खड़े हो वो
पानी पानी की पाइप गिरी, आर्गो पानी की पाइप काट ले गई। राजकुमार जी पास आपके चुनाव का मन आया बटे मीटिंग करी, बोले साहब मैं विद इन 30 डेज के मैंने बोले वो करवा दूंगा। 30 डेज के बजाय तो वहाँ का आज मतलब आने 6 महीना होगा, जितना 6 महीना में भी आके कुओं को आज तक संभाले होने की मतलब तमाश तक आगे हाथ जोड़ जोड़ के लावा यार पानी दो, माने एक मटको दो एक मट गठर से भी सप्लाई कर दो, मान दो पानी टूटी लगा रोटा भी ना रह जाओ कमा के लावा खा लिया, लेकिन पानी के लिए तमाशा से रिक्वेस्ट करनी पड़े। जो मान लो थारो पड़ोस में घर है यारो दो मटका एक टैंकर मंगावा 20 गेड़ा जाएंगे यार एक मटका आधो टैंकर तो गयो, अब मैं टैंकर मंगावा जना पानी देना पड़े इसके भाई गरीब बैठे है तो खड़े जा बस उपले के आस पे बैठे है। ये कॉलोनी पानी कठाऊ सप्लाई हुआ है, वो पानी आवे कठाऊ है सर? वो उधर जो मेन रोड है ना, मेन रोड से सप्लाई होती है पानी की, जो वाटर वर्क से आता है। यहाँ पे पानी की सप्लाई पड़ोस में ही किसी मस्जिद का एक निजी बोरिंग है उससे होती है। उस मस्जिद का जो बिल आता है, जो पानी का जो बिल आता है, वो बिल ये लोग अपने खुद के पैसों से जो भी 400 रुपये 500 रुपये पर मंथ के उससे ये निजी करते हैं। वहाँ तक जो पीछे की रोड है वहाँ तक ही सप्लाई है, इसके आगे पानी की एक भी सप्लाई नहीं है। 5-4 बार नगर पालिका को भी अवगत करा चुके हैं और PWD को भी अवगत कराया जा चुका है। माननीय विधायक साहब ने मेरे को आश्वासन दिया है कि इस महीने में निकाय चुनाव के पहले पहले यहाँ पे एक बोरिंग प्रस्तावित है, प्लान भी बन चुका है। पिछले निकाय चुनाव में यहाँ से जो प्रत्याशी था उसने यहाँ पे पूरे वार्ड को आके 5 साल में एक बार भी नहीं संभाला। ये लोग जाते थे वहाँ पे प्रत्याशी को बताते थे कि हमारी ये समस्या है, एक भी समस्या का यहाँ निदान नहीं हुआ। समस्या चल रही है ये बोले खर्चा और जो जावा तो फिर आदमी बैठे बाद में आयो बाद में जावा कल देखांगा। वार्ड मेंबर हो चाहे पार्षद हो चेयरमैन हो जी को निजी है ना भी आदमी तो काम पहले जाए, जो आदमी निजी संपर्क में है ना बाकी सब के खंभा पर लाइट लाग रही है। अठीने साहब दो ही खंभा है पर दो पर भी लाइट को नहीं है। अब मैं कोई नेता के निजी तरह ना क्यों मजदूरी करने आदमी मजदूरी करेगा या आपका कोई नेता साग रहेगा? लोग खाना के लिए परेशान को नहीं लेकिन अठे जो है पीने का पानी के लिए लोग परेशान ही कि बन एक दूसरा पानी मांग के लाना पड़े है। रिक्वेस्ट है जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि जो वार्डवासियों की जो भी समस्या है समस्या को समाधान निकल जा सके। और वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार है जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।